हेलो स्टूडेंट यू आर द मोस्ट वेलकम इन द्लासेज में जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल के बारे में जो हमारे फर्स्ट यूनिट के हमारे कुछ न्यूमेरिकल बच गए थे क्वेश्चंस बच गए थे आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था पैरोलोग्राम लॉफ फोर्सिस के बारे में पढ़ाया था स्टैस स्टेंट डायग्राम के न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए ठीक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे बीम के बारे में जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो मैंने वैसे तो सभी के क्वेश्चंस मैंने इन द क्लास में मतलब मतलब कहने का मतलब जब मैंने कंटिन्यू क्लास कराई थी तब करा दिए थे बट लेकिन अब और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 2 comma under root 3 comma 5 comma under root 3 and 2 newton that act the angular point of a regular hexagon टू वर्ल्ड द अदर एंगुलर पॉइंट टेकन इन ऑर्डर तो डायग्राम एक दिखाया गया है इसमें हमारे forces दे रखे है, दो न्यूटन दे रखा है थ्री न्यूटन दे रखा है, थ्री and है? इनके सबके एंगल दे रखे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है हमें यहाँ पे क्या निक, निकालना है रिजल्ट निकालना है और एक जो हमारे यहाँ पे इसके बीच में एक रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है और उस रिजल्ट की डायरेक्शन को हमको निकालना है ठीक है तो फ्रेंड्स आप सब लोग जानते होंगे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि हम जब रिजल्टेंट वगैरह निकालते हैं तो एक तो होता था पैरलोगन फोर्सेस के बारे में जिसमें हम क्या करते थे कि रिजल्टेंट निकालते थे अंडर रुड पी स्क्र प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यूटा के अकॉर्डिंग उससे निकालते थे जब दो फोर्सेस होते थे दो मैग्नीट्यूड होते थे तो दो मैग्नीट्यूड के बीच में एक हमारा रिजल्टेंट लाइक करता था तब हम उसका फॉर्मूला यूज करते थे बट लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पे रिजल्टेंट जो निकलता है वो हमारा क्या निकलता है अंडर रूट आ, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर ठीक है तो दिस इज द डिटरमाइन द रिजल्ट आप डिफरेंट टाइप के फोर्स मतलब, मतलब, एक लाइन ऑफ एक्शन से सारे फोर्स एक ही मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन सबका जो मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन है वो किसका एक पॉइंट है ठीक है तो यहाँ पे हम कंकर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे

टेन एल्फाइक्स टू ठीक है टेन अल्फा इक्वल्स टू समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स ठीक है समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ठीक है सॉरी यहाँ नहीं होता है ठीक है ये हमारा फॉर्मूला होता है तो दिस इज द फॉर्मूला अबाउट द हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सॉरी रिजल्टेंट डायरेक्शन की रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे तो उसके हमारा फॉर्मूला होता है तो यहां पे हमें क्या निकालनी होती है अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है तो अल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्सन एफ वाई अपॉन समीशन एफ एक्स ठीक है तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू को निकालना होता है ठीक है तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना निकालते है. तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं इसने क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ठीक है इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उसके बारे में देखते हैं चलिए <coughs> तो सबसे पहले मैं बात करूं इस क्वेश्चन इस डायग्राम की तो डायग्राम में क्या क्या दे रखा है एक फोर्स लग रहा है टू न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है न्यूटन का का जिसका एंगल एंगल दोनो, दोनों 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 फोर्स के बीच के एंगल दे रखा है थर्टी डिग्री एक फोर्स लग रहा है न्यूटन न्यूटन का जो से एंगल बनना है एक्सेस से वो बनना है सिक्सटी डिग्री का एक आ, एक फोर्स लग रहा है अंडर थ्री का जो यहाँ से एक्सेस से एंगल बना रहा है नाइनटी डिग्री का और एक फोर्स लग रहा है टू न्यूटन का जहाँ पे हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है हमारा ये नाइन्टी हो गया ठीक है और ये वन ट्वेंटी कह रहा है वन ट्वेंटी लिखा हुआ है तो ये कितने वन ट्वेंटी का हमारा यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स को निकालेंगे और हमारा क्या निकालेंगे आ, वर्टिकल फोर्स को निकालेंगे ठीक है तो बात मैं करूं हॉरिजॉन्टल फोर्सेज की तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालूंगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे क्या होते हैं तो सब हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे समेशन

ठीक है उधर को डायरेक्शन कोई बात नहीं अंडर रूट थ्री न्यूटन का है तो मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा इस तरीके से मान लूंगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट थ्री कॉस थर्टी डिग्री क्योंकि इसका एंगल कितना है थर्टी डिग्री और इसका कितना एंगल हो जाएगा अंडर उड थ्री साइन थर्टी डिग्री तो यहाँ पे मैं अगर होरिजोनटल की बात करूँ तो होरिजोनटल फोर्स हमारा क्या होगा ये होगा वर्टिकल फोर्स क्या होगा ये होगा ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे ये क्या दे रखें रिजल्टेंट दे रखे उन्होंने क्या दे रखे है रिजल्टेंट तो ये हमारा अंडर उड थ्री एक रिजल्ट दे रखा है तो रिजल्टेंट का हमें क्या है? निकालना है मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो इसके मैग्नीट्यूड कैसे होंगे अंडर उड थ्री कोस थर्टी डिग्री और इसको जाएगा अंडर रोड थ्री साइन थर्टी डिग्री ठीक है तो इसका ये निकल जाएगा तो इसका चलो निकालते हैं समय से तो इसका इसका इस, इस तरह निकल जाएगा अब हम बात करें अगर इसका अगर मैं बात करूं पांच न्यूटन का तो पांच न्यूटन का मान लीजिए ये इस तरीके से है और यहाँ पर पांच न्यूटन का हमारा फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट लग रहा है तो यहाँ पे इसका एंगल कितना दे रखा है सिक्सटी डिग्री दे रखा है तो यहाँ कितना हो जाएगा फाइव कोस सिक्सटी डिग्री और ये हो जाएगा फाइव साइन सिक्सटी डिग्री यही हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले होरिजोनटल फोर्स निकालेंगे तो होरिजोंटल में क्या होगा कोस थर्टी मतलब कोस की वैल्यू आती है ये ध्यान रखना जो होरिजोंटल होता है वहां पे हम किसकी वैल्यू लेते हैं कोस की लेते हैं ठीक है चलो इस तरीके से आपको समझ में आ गया ना तो अब हम न्यूमेरिकल को मतलब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं ठीक है

ठीक है केवल मैं अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स को मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड है उसको लेकर चल रहा हूं ठीक है हॉरिजॉन्टल फोर्स में जो हमारा फोर्स लग रहा है उसको मेजर करके चल रहे फिर हमारा क्या है फाइव कोस सिक्सटी डिग्री प्लस फिर क्या है अंडर 90 डिग्री प्लस फिर क्या है टू uh, न्यूटन uh, का लग रहा है तो टू कोस वन ट्वेंटी डिग्री

तो कितनी होती है वन बाई टू होती है तो साइन थर्टी की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होती? होती है कितनी होती है होती है और वो भी हमारी किस में होती है जब ये नाइनटी प्लस ठीक है तो यहाँ पे इसमें माइनस में आ जाता है तो यहां पे क्या आएगा माइनस के प्लस टू ये हो जाएगा माइनस के वन बाई टू ठीक है बराबर इक्व टू जीरो क्योंकि हमारा जो सारणी होती है इधर हमारे 90 के सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे हमारे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं साइन और मतलब उसके पॉजिटिव होते हैं ठीक है और चलो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन करने पे देखो अंडर की वैल्यू कितनी आएगी टू आएगी प्लस अंडर थ्री अंडर कितने तीन ये हो जाएगा तीन बटे दो तीन बटे दो प्लस ये हो जाएगा पांच बटे दो पांच बटे दो प्लस ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा दो ठीक है एक दो तीन तो की वैल्यू जीरो एक्स्ट्रा लिख गया है ये दो लिख गया।, गया हमारा एक्स्ट्रा ठीक है ये एक्स्ट्रा था और यहाँ पे प्लस ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा वन और वही माइनस का वन बचेगा वन बराबर के जीरो यहाँ पे इसको आउट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको सोल्व आउट करके हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी समेशन एफ एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी यहाँ पे हम देखेंगे उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी तो इसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेट करने से हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ देखेंगे तो इसको देखेंगे नीचे सब में जोड़ लो चलो इसको कैलसी जोड़ लेते हैं ठीक है कैलसी से जोड़ लेते हैं तो टू प्लस, चलो मैं इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ, दो और दो चार हो गए चार में से एक गया थीन। तो थीन तीन तो तीन प्लस तीन बटे दो प्लस पांच बटे दो तो यहाँ पे इसको एल्सियम ले लिया मैंने दो और यहाँ पे हो गया दो तीन छह तीन प्लस पाँच तो यहाँ पे हो जाएगा छ तीन नौ नौ और पाँच चौदह बटे दो तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन ठीक है तो इस जो इक्वल निकल के हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी सेवन ही आएगी नहीं दो एल्सियम ले लिया दो तीन छ तीन और पाँच छ तीन नौ नौ और पाँच पाँच चौदह हाँ गलती हो गई कोस जीरो की वैल्यू वन होती है कोस थर्टी वैल्यू थ्री बाई टू होती है कोस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू होती है ठीक है ये जीरो हो जाएगा ये सारा जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, और ये टू इसकी हो बाई टू. से वैल्यू पुट करके जो वैल्यू निकल आएगी वो हमारी क्या निकल आएगी ठीक है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकलेगी दो और दो चार चार में से एक गया तीन ये हो जाएगा ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आएगी ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी हमारी कहाँ गलती हो गई इसमें का काल्सियम ले लिया ये होगा तीन बटे पाँच आठ बटे दो चार तीन सात सात ही आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी सात ठीक है तो हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट कितना निकल के आया सेवन निकल के आया यहाँ पे वैल्यू लिया हमारी सेवन तो हमारा समेशन कितना आया सेवन आया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे निकालते हैं क्या समेशन समेनेंगे समेन एफ वाई इक्व टू जीरो ठीक है समेशन एफ वाई इक्व टू जीरो तो समेशन एफ वाई इक्व टू जीरो की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे कितनी आएगी वो देखेंगे समेशन एफ वाई इक्व टू जीरो की वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी तो देखेंगे यहाँ पर तो पहले हमारा फोर्स जो दे रखा है ठीक है देखो फोर्स यहां दो न्यूटन का है तो दो साइन जीरो जाएगा फिर अंडर तीन का है इसको ज्यादा बड़ा हो गया नहीं ये हाँ छोटा कर लेता हूं मैं इसको चलो अब यहाँ पे देखते हैं समेसन एफ वाई समेसन एफ वाई इक्वल टू जीरो निकालेंगे तो समेसन एफ इक्वल टू जीरो निकालेंगे तो टू साइन जीरो डिग्री हो जाएगा प्लस टू साइन जीरो अंडर रूट थ्री हाँ अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री साइन थर्टी डिग्री हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा फाइव साइन सिक्सटी डिग्री हो जाएगा ठीक है प्लस अंडर रूट थ्री साइन 90 डिग्री हो जाएगा प्लस ठीक है फिर टू साइन कितना हो जाएगा डिग्री डिग्री अंडर रुड थ्री मल्टीप्लाई साइन तीस की वैल्यू वन बाई टू होती है प्लस फाइव साइन सिक्सटी तो फाइव मल्टीप्लाई साइन साठ की वैल्यू कितनी होती है अंडर रुड थ्री बाई टू होती है ठीक है प्लस अंडर रुड थ्री मल्टीप्लाई साइन नंबर की वैल्यू वैल्यून होती है प्लस टू मल्टीप्लाई साइन कितना हो जाएगा? 90 30, 90 30, तो हो जाएगा जाएगा तो अंडर रुड थ्री बाई टू अंडर रुड थ्री बाई टू इक्व टू जीरो और यहाँ पे हमारा जो साइन नाइनटी प्लस थर्टी होगा वो हमारा कैसा रहेगा प्लस में रहेगा आगे आगे देखते हैं आगे इसमें क्या होगा आगे देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इसको तो यह अंडर रुड थ्री बाई टू प्लस फाइव अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस अंडर रूट थ्री प्लस रूट थ्री बराबर के जीरो तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन करके हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी वो देखेंगे ठीक है इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मैंने मान लिया दो सॉरी uh, यहाँ पे मैंने क्या करा दो एल्सियम ले लिया दो एल्सियम लेने से क्या होगा अंडर रूट थ्री प्लस फाइव अंडर रूट थ्री प्लस टू अंडर रूट थ्री प्लस टू अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है यहां पे देखेंगे और आगे आगे देखेंगे वैल्यू अंडर एक पांच कितनों के पांच सात आठ नौ दस तो दस अंडर रूट थ्री बटे दो तो दो पंजे दस हो जाएगा यहाँ पे हमारी आएगी फाइव अंडर क्या निकल करेगी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी ठीक है तो फाइव अंडर रूट थ्री यहाँ पे क्या निकल पाएगी हमारी वैल्यू निकल के आएगी अब यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या निकल के आएगा अंडर रूट समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर तो अंडर रूटन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है तो सेवन का स्क्वायर प्लस की कितनी वैल्यू आ रही है स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से वैल्यू जो निकल कर आएगी वो देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सा फोर्टी नाइन ये हो जाएगा पच्चीस पच्चीस पचहत्तर ये आएगा हासिल लगा एक आठ और चार एक सौ चौबीस तो यहाँ पे रिजल्टेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी वो देखते हैं कितनी निकल के आएगी हमारी ठीक है रिजल्टेंट की वैल्यू देखेंगे रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी टू अंडर ये थ्री बाई टू हो गया पूरा ये फाइव बाई टू हो गया ये वाला दो एक्स्ट्रा आ रहा है कहीं से ये वाला यहाँ पे गलती हो गया यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आ रहा है ये तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ ये दो एक्स्ट्रा आ रहा है ना इधर तो देखो तो तो दो एक कम दो ये हो जाएगा थ्री बाई टू ये हो जाएगा फाइव बाई टू और प्लस ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे बचेगा माइनस के वन तो यहाँ बचेगा माइनस के वन यहाँ क्या बचेगा माइनस के वन माइनस वन इक्व टू जीरो तो यहाँ पे इसको एलसीयम लेंगे तो एल्सियम लेके हमारी वैल्यू निकल करेगी यहाँ पर दो मैंने इसका एल्सियम ले, ले तो चार प्लस तीन प्लस पाँच माइनस वन इक्वस टू तो जीरो चार तीन सात सात और पाँच चार और तीन सात सात और पाँच बारह चार हो गया तीन प्लस पाँच हो जाएगा दो ठीक है तो चार तीन सात सात पांच बारह बारह में से दो गए दस दस बटे दो तो दस बटे दो बराबर आ जाएगा पांच तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी एफ एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी तो यहाँ पे समेशन यहां गलती होगी थी ठीक कर लेना समेशन एफ एक्स बराबर हमारा कितना आएगा पांच आएगा समेशन एफ एक्स बराबर कितना आएगा पांच वैल्यू निकल के आएगी ठीक है तो ये हमारे पांच आई है और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारी यह ये पांच आएगी यहाँ पर ठीक है ये पांच का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा पच्चीस और पचहत्तर पच्चीस हो जाएगा हमारा सो ये हो जाएगा हंड्रेड और हंड्रेड का स्क्वायर करेंगे तो टेन टेन किलो न्यूटन आएगा ठीक है हमारा देख लेते हैं इसमें फोर्स किस में दे रखा है फोर्स हमारा न्यूटन में दे रखा है ठीक है फोर्स किस में दे रखा है न्यूटन में दे रखा है तो यहाँ पे हमारा न्यूटन निकल के आएगा ये तो टेन न्यूटन हमारा क्या निकल गया है यहाँ पे रिजल्टेंट निकल गया है और रिजल्टेंट के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा जो एंगल निकल के आएगा एंगल की वैल्यू देखते हैं एंगल कैसे निकल के आएगा ठीक है तो यहीं पे मैं एंगल निकाल देता हूँ तो यहां पे एंगल देखेंगे तो एंगल होगा हमारा टेन इनवर्स समेशन एन अल्फा बराबर समेशन एफ वाई अपॉन Fx, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे Fy की वैल्यू जो निकल के आई है वो हमारी निकल के आई है फाइव अंडर रूट थ्री और हमारा समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है फाइव तो यहाँ पे फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा यह आएगा टेन अल्फा बराबर अंडर रूट थ्री और यहाँ से अल्फा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट ंडर तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी सिक्सटी डिग्री निकल के आएगी क्योंकि 10, 60 की वैल्यू कितनी होती होती है होती है ठीक है अंडर रूट ठीक तो friend, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आया वो हमारा इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है फोर्स को देखने जो हमें रिजल्टेंट दे रखे हैं कह रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ठीक है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इतना 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 दे रखा है एंगुलर पॉइंट ऑफ यू रेगुलर अदर एंगुलर पॉइंट टेकन इन ऑर्डर ठीक है तो यहाँ से अकॉर्डिंग हमें इन इन ये सब दे और इनका रिजल्टेंट हमको निकालना है तो इनका रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे समेसन एफ एक्स बराबर जीरो करेंगे और समेसन एफ वाई बराबर जीरो रखेंगे तो वहां पे इन दोनों को जब वैल्यू निकल के आएगी तो वैल्यू निकल के आने के बाद हम क्या करेंगे वहां पे रिजल्टेंट को निकालेंगे रिजल्टेंट की वैल्यू निकल गई टेन न्यूटन और आद, उसके बाद हम क्या करेंगे वहां पे इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन निकल के आई वो हमारी कितनी आई है ये आई है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम हाँ अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है इसके अकॉर्डिंग हम हाँ अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ठीक है दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं इसमें क्या है डिटरमाइन द रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शो इन द फिगर तो हमें क्या करना है यहाँ पे रिजल्ट को डिटरमाइन करना है बोथ इन मैग्नीट्यूड हमारे जो फोर्सेस दे रखे हैं इनके मैग्नीट्यूड के बीच में ऑफ द फोर फोर्सिस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शो इन द फिगर तो इसमें देख रखे होंगे एक पी फोर्स दे रखा है जिसमें थर्टी डिग्री का एंगल है एक पी फोर्स दे रखा है जिसमें एंगल नहीं दे रखा आपको डिटरमाइन करना है एक पी दे रखा है जिसका एंगल थर्ट सिक्सटी डिग्री है और एक

टेन थीटा बराबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू वन बाई टू वन बाई टू ठीक है वन बाई टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है? थी। थी। तो तो 10, है तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी यहाँ पर तो टेन ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ टेन वन बाई टू इनवर्स इनवर्स tan tan ये हाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स वन वाई टू यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी वो देखेंगे ठीक है तो टेन इनवर्स डिग्री हमारी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स ठीक है अब देखेंगे ये वाला इसकी ओर निकाल लेंगे तो ये हमारा थीटा टू मान सकते हो उसको थीटा टू क्योंकि पी टू है वो हमारा थीटा टू हो जाएगा अब यहां निकालेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू ये दे रखा है पांच अपॉन बारह फाइव अपॉन ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पे थीटा फोर निकालेंगे थीटा 4, तो थीटा 4 की वैल्यू निकालेंगे 12, 5 12, 22 22 इसको टू मान सकते हो ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स टू तो थीटा फोर की वैल्यू कितनी आई ट्वेंटी टू फोर सिक्स टू ठीक है अब यहां पे देखो दिख लेते हैं इसकी हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है अगर मैं बात करूं पी वन की तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखते हैं इसमें अगर मैं बात करूं पी वन की पी वन हमारा कितना दे रखा है पी वन बराबर दे रखा है थ्री किलो न्यूटन थ्री किलो न्यूटन अगर मैं बात करूं थीटा वन की थीटा वन के वैल्यू दे रखी है थर्टी डिग्री 30 डिग्री ठीक है अब बात करू P2 P2 की वैल्यू हमारे कितनी दे रखी है 2.24 2.24 किलो न्यूटन की वैल्यू हमें दे रखी टू पॉइंट टू फोर टू पॉइंटन की वैल्यू निकालनी है अब थीटा जो हमारा ये जो 26.56 है वो इसके अकॉर्डिंग आई है क्योंकि हमने क्या हॉरिजॉन्टल माना है टेंट अल्फा की टेंट थीटा की वजह से हमने वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे क्या करेंगे इसकी वैल्यू तो आ गई ट्वेंटी अब इसकी वैल्यू मुझको निकालनी है इसकी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अब यहां से यहां तक का पूरा 180 है और 180 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो देखेंगे ठीक है तो 180 में यहाँ पे मैं क्या करूंगा 180 माइनस 180 माइनस 26, 26.56 तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 153.44 तो यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू आएगी 153.44 ठीक है डिग्री समझ में आया कैसे क्योंकि यहां से यहां तक की वैल्यू होती है 180. अब मुझको निकालनी है ये वा, ये वाली वैल्यू निकालनी है ये वाली ठीक है तो कहने का मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से मेजर करूंगा पूरी 90 तो ये हो गई और ये मुझे पूरी मुझको निकालनी है तो ये वाली वैल्यू मुझको मिल गई कितनी 26.56 तो 180 में से 26.56 को माइनस करूंगा तो मुझे यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो 153.44 निकल के आ गया अगर मैं बात करूं P3 की तो P3 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 2 किलो न्यूटन की दे रखी है 2 किलो न्यूटन और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है थीटा थ्री देखेंगे थीटा थ्री देखेंगे, थी देखेंगे 180 तो हमारा यहाँ से हो गया और 180 एट्टी प्लस सिक्सटी कितना हो गया ये हो गया 240 ठीक है कितना हो गया 240 फोर्टी तो 240 डिग्री हमारा इसने यहां दे रखा है यहां पे देखेंगे P4 की वैल्यू P4 की वैल्यू दे रखी है हमारी 3.9 3.9 किलो न्यूटन और यहाँ पे थीटा फोर की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा फोर की वैल्यू निकालने के लिए हमारी ये वाली जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है 22.62 निकल के आई है और ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 270 और 270 में 22 हम ऐड कर देंगे तो 270 सेवेंटी प्लस टू टू वैल्यू तो आएगी 292, पे देखेंगे आगे फोर्स हम अपना अप्लाई करेंगे वैल्यू वैल्यू अप्लाई करेंगे इतना हमें मिल गया फोर्स वगैरह ठीक है फोर्स हमें मिल गए इतने अब यहाँ पे हम क्या करेंगे समेशन एफ एक्स निकालेंगे ठीक है तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ तो समेशन एफ F… एक्स इक्व टू जीरो प्लस पी फोर कोसठा फोर इक्व टू जीरो यही है ठीक है तो यहाँ पे पी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है तीन पी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी तीन दे रखी है तो तीन मल्टीप्लाई कोस थीटा वन की वैल्यू दे रखी है थर्टी डिग्री ठीक है प्लस पी टू की वैल्यू दे रखी टू पॉइंट टू फोर कोस वन फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर फोर ठीक है फिर हमारी प्लस पी थ्री की वैल्यू दे है टू कोस टू कोस टू फोर्टी टू फोर्टी प्लस पी फोर की वैल्यू थ्री पॉइंट नाइन कोस टू नाइनटी टू क्स टू जीरो तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमारी जो वैल्यू निकल आएगी वो हम देखेंगे कितनी वैल्यू निकल आएगी हमारे यहाँ पर ठीक है तो यहां पे वैल्यू देखेंगे कितनी निकल के आएगी टू मल्टीप्लाई कोस थर्टी प्लस टू पॉइंट टू फोर Cos one fifty three point four four two cos two forty 3.9 three point nine three point nine Cos two ninety two two ninety two point six two Equal <laughs> okay. equal. सिक्स टू तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू निकल के ये गलत आ गया तो जो दुबारा करके देखते हैं थ्री कॉस थर्टी प्लस टू टू पॉइंट फोर कॉस वन फाइव थ्री पॉइंट फोर फोर प्लस टू टू फोर्टी प्लस थ्री पॉइंट नाइन टू नाइन टू पॉइंट सिक्स टू तो वन पॉइंट जीरो नाइन आया ठीक है तो so, यहाँ पे समेसन एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी समेसन एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी समेसन एफ एक्स इक्वल टू वन पॉइंट जीरो नाइन फोर 1.094 हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी ठीक है 1.094 ठीक है अब आगे देखते हैं आगे हम क्या निकालेंगे आगे निकालेंगे किसका एफ वाई ठीक है तो समेशन ऑफ एफ एक्स तो यहाँ पे निकालेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स हम निकालेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो तो एफ वाई इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा पी वन साइन थीटा वन प्लस पी टू साइन थीटा टू प्लस पी थ्री साइन थीटा थ्री प्लस पी फोर साइन थीटा फोर इक्व टू जीरो हो जाएगा ठीक है तो देखेंगे पी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है थ्री पी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है थ्री साइन थीटा वन की वैल्यू दे रखी है थर्टी प्लस टू पॉइंट टू फोर साइन वन फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर फोर प्लस टू साइन टू फोर्टी प्लस थ्री पॉइंट नाइन साइन टू नाइन टू पॉइंट सिक्स टू इक्व टू जीरो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी थ्री साइन थर्टी प्लस टू पॉइंट टू फोर साइन वन फाइव थ्री पॉइंट फोर फोर Plus two sign two four zero plus three point nine sign two nine two point six two तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो निकल के आई है वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे यहाँ पर आएगी माइनस के टू पॉइंट एट थ्री किलो न्यूटन तो माइनस के टू पॉइंट एट थ्री किलोन्यूट निकल के आएगी ठीक है तो यहाँ पे हम लिख इसकी वैल्यू टू पॉइंट एट थ्री ठीक है टू पॉइंट एट थ्री न्यूटन न्यूटन में दे रखी ना वैल्यू किलो न्यूटन किलो न्यूटन में आ जाएगी ये भी किलो न्यूटन में है ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद निकालेंगे रिजल्टेंट अब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे ठीक है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम देखेंगे समेशन सॉरी रिजल्टेंट टू समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर तो यहां पे देखेंगे अंडर रूट एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी वन पॉइंट जीरो नाइन फोर का स्क्वायर हो जाएगा और ये जाएगा टू माइनस uh, के माइनस के टू पॉइंट एट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कितनी निकल के आएगी ये तो वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो नाइन फोर का स्क्वायर प्लस टू पॉइंट एट थ्री का स्क्वायर तो यहां पे वैल्यू निकल के आएगी नाइन पॉइंट टू जीरो नाइन पॉइंट टू जीरो और नाइन अंडर रूट आंसर उसका आंसर कर देंगे वन तो वन पॉइंट जीरो नाइन फोर का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है इक्वल प्लस टू पॉइंट एट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और इसका क्या करेंगे अंडर रूट कर, दे, कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी हमारी हमारे रिजल्ट थ्री पॉइंट जीरो न्यूटन तो दिस इज द द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट किलो न्यूटन अब इसके बाद क्या करेंगे इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है तो आप जानते हैं टेन अल्फा इक्वल्स टू या टेन थीटा बराबर टेन थीटा ले, ले सकते हैं ठीक है चलो टेन अल्फा बराबर समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स ठीक है तो समेशन एफ वाई की जो वैल्यू निकल के आई है वो आइए माइनस के टू पॉइंट एट थ्री अपॉन समेशन एफ एक्स की वैल्यू निकल के वन पॉइंट जीरो नाइन फोर तो दोनों का यहाँ पर वो करेंगे यहाँ से हमें क्या निकालना है अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा की वैल्यू निकल के हमारी क्या आएगी यहाँ पर देखेंगे तो माइनस के टू पॉइंट एट थ्री डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो नाइन फोर इक्व टू ठीक है और यहां पे shift and inverse answer equals to, तो यहां पे हमारी वैल्यू निकल गई सिक्सटी एट पॉइंट एट सिक्स तो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी निकल गई अल्फा की सिक्सटी एट पॉइंट एट डिग्री तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ठीक है तो हमारी जो रिजल्टेंट निकल के आया उसकी वैल्यू आई है थ्री पॉइंट जीरो थ्री फोर और यहाँ पे जो मैग्नी magn... जो रिजल्टेंट आया उसकी जो डायरेक्शन आई है वो आई है सिक्सटी so, एट तो यहाँ पे सिक्सटी एट एंगल पे हमारा क्या बनेगा वो हमारा रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है उसको निकालना होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस अब हमारा क्या है ये वाले क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने पीछे कराया तुम लोगों को ठीक है तो ये क्वेश्चन तो अभी लास्ट ईयर पूछा गया था पेपर में पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था जैसे मैंने अभी आपको कराया था यहाँ पे इसका एंगल निकालना है यहाँ पे एंगल निकालना है तो इसको आप सेल्व करना ठीक है अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीम तो बीम से से रिलेटेड है है ठीक तो रिलेटेड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा एक बीम है और बीम पे हमारे सपोर्ट्स इन्होंने दिखा रखे हैं तो एक सपोर्ट नीचे से लग रहा है एक सपोर्ट नीचे से लग रहा है ठीक है दो सपोर्ट लग रहे हैं इसको मैं मान लेता हूं इसको मैंने मान लिया आर ए और इसको मैंने मान लिया आर बी ठीक है दो सपोर्ट्स लग रहे हैं दोनों एंड पर लग रहे हैं और इस पर कितने लोड लग रहे हैं एक आठ न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है एक किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है और एक फोर न्यूटन पर मीटर का यू डी एल लग रहा है यूडीएल ठीक है, है? यूडीएल लोड लग रहा है तो एक बीम पर हमारे तीन टाइप के लोड लग रहे हैं दो पॉइंट लोड लग रहे हैं और एक हमारे यूडीएल लग रहा है और नीचे से दो सपोर्ट्स लग रही है ठीक है चलो अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या निकालते हैं रिजल्टेंट ऑफ द ऑफ़ द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन समेत ऑफ द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन एफ वाई डायरेक्शन में फिर हम क्या निकालते हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं जो भी हमारे फोर्स लगे होते हैं और पॉइंट ए के अबाउट क्या निकालते हैं उनका मोमेंट निकालते हैं ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले निकालते हैं हम यहाँ पर समेषन एफ वाई तो अगर मैं सॉरी समेसन एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो समेसन एफ एक्स क्या निकलते यहाँ पे जो होरिजोनटल फोर्स लग रहे हैं तो मैं अगर बात करूं यहाँ होरिजेंटल फोर्सेस की तो यहाँ पे कोई भी होरिजोनटल फोर्स नहीं लग रहा है ठीक है कोई भी होरिजोनटल फोर्स नहीं लग रहा है तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी क्या आएगी जीरो आ जाएगी ठीक है तो इसका एक मैं फ्री डायग्राम अगर बनाता हूँ फ्री डायग्राम कैसा बनेगा उसको देख लेते हैं फ्री डायग्राम बना लेते हैं इसका एक तो रिजल्ट लग रहा है नीचे से एक रिजल्ट लग रहा है नीचे से ठीक है एक इधर लग रहा है और एक हमारा इधर लग रहा है ठीक है और यहां पे एक यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल का एक रिजल्ट निकल के आएगा जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे इसको मैंने मान लिया आर ए इसको मैंने मान लिया आर ए ठीक है उसको मैंने मान लिया आर बी और यहाँ पे जो लग रहा है ये आठ किलो न्यूटन का लग रहा है

पॉइंट तक कितनी है वन और इसका हाफ हो जाएगा तीन कितना हो जाएगा तीन तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो लगेगा एक मिड पॉइंट में लगेगा इसके मिड पॉइंट में तो वन और तीन तो मतलब वैल्यू हो जाएगी आ, दो ठीक है तो एक और एक दो हो जाएगी ये दो मीटर का ये हो जाएगा और यहाँ से इसका जो लग रहा है ये इधर वन लग रहा है ये वन मीटर का है और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ये भी दो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा दो मीटर का हो जाएगा ठीक है तो टोटल देखेंगे वन तीन चार पांच और छह एक दो तीन चार पांच छह ठीक है डिस्टेंस कवर हो गई अब डिस्टेंस कवर होने आप निकाल सकते हो समेसन एफ एक्स तो जीरो होगा समेसन एफ वाई की वैल्यू बराबर जीरो होगा कहने मतलब समेसन एफ वाई जो हॉरिजॉन्टल हमारे जो सॉरी वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनको मेजर करेंगे तो वर्टिकल फोर्स की हम बात करूं तो यहां पे क्या करेंगे जो फोर्स मतलब तो होंगे माइनस में, में होंगे सॉरी माइनस में होंगे ठीक है क्या होंगे माइनस में होंगे तो वो उसको मेजर करेंगे यहां पर तो देखते हैं RA. RA की तरफ लग रहा है, तो पॉजिटिव होगा ठीक है फिर माइनस के आठ हो जाएगा फिर माइनस के आठ हो जाएगा फिर माइनस के टू हो जाएगा और फिर प्लस के आर बी हो जाएगा और इक्वस्ट हो जाएगा जीरो पे एक इक्वेशन निकल के आएगी आर ए प्लस आर बीव टू आठ आठ सोलह अठ दो अठारह ठीक है ये हो जाएगा अठारह इसको इक्वेशन नंबर मान लिया वन ठीक है सोलह अड़ दो अठारह ठीक है तो इसको इक्वेशन नंबर मान लिया हमने वन अब आगे देखते हैं इसका मोमेंट निकालते हैं ठीक है क्या निकालते हैं मोमेंट तो मोमेंट कैसे निकालते हैं समेशन एम ए के अबाउट हमको निकालना है मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट देखेंगे इक्वल टू जीरो होता है तो सबसे पहले एक आर ए जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा सॉरी हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर मैं बात करूं आर ए की तो आर ए ए पॉइंट पर ही मुझको क्या निकालना है मोमेंट निकालना है ठीक है R, मतलब पॉइंट पे मुझको मोमेंट निकालना है तो मोमेंट निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि मोमेंट क्या होता है आ, हमारा फोर्स होता है और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस आर के लिए तो जीरो होगी तो आर ए हो जाएगा ये अब यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारा क्लोग वाइज डायरेक्शन में फोर्स प्लस लेते हैं जो anti में लगता है उसको minus लेते हैं ठीक तो मतलब मतलब है फिर एक, एक में लेना होगा. तो मैं इसको इस तरह से क्या लूंगा पॉजिटिव लूंगा और जो एंटीक्लगवाइज डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको नेगेटिव लूंगा ठीक है तो आर ए जो लग रहा है वो हमारा किस में लग रहा है एंटीक्लॉग वाइज डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है आगे देखते हैं फिर फिर हमारा आठ किलोमीटर का लग रहा है वो आ, क्लोग डायरेक्शन में है तो एट इन टू यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है वन प्लस फिर आठ इंटू कितनी डिस्टेंस तीन प्लस फिर टू इंटू डिस्टेंस कितनी है फाइव ठीक है फिर हमारा रिजल्टेंट जो लग रहा है वो एंटी क्लोग डायरेक्शन में लग रहा है हो जाएगा, आर बी इंटू ये हो जाएगा दो दो चार पाँच छः ठीक है छः हो जाएगा ये इक्वस टू जीरो हो जाएगा अब यहाँ पे देखेंगे आर ए e तो पूरा जीरो पे क्या हो जाएगा आठ प्लस ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस जाएगा माइनस के सिक्स आरबीव टू जीरो मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो देखेंगे यहां पर इधर के निकल के आएगा फोर्टी टू और मैं इसको आर बी से वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा हमारा किलो नूटन. किलो न्यूटन न्यूटन हमारी वैल्यू निकल के आएगी आर बी की ठीक है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारा सॉरी यहाँ पे जो एक सपोर्ट्स का जो रिएक्शन निकल आ रही है आर बी जो फोर्स लग रहा है इसके रिजल्टेंट result, में उसकी वैल्यू कितनी आई है सेवन किलो न्यूटन की वैल्यू निकल के आई है अब मैं बात करूँ आर ए की तो आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इक्वेशन है आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है अठारह दे रखा है तो यहाँ पे मैं आर ए की वैल्यू निकालूंगा तो आर ए बराबर हो जाएगा अठारह माइनस के सेवन ठीक है तो आर ए की वैल्यू कितनी निकल का है? 18 -7 के आएगी कर इलेवन किलो न्यूटन निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी इलेवन किलो न्यूटन निकल के आएगी तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या निकालना है केवल हमें यहाँ पे आर जो रिजल्टेंट हमारे आर ए है और आर ए और आर बी की जो हमारी वैल्यू है फोर्स है केवल हमें उसको मेजर करना है ठीक है <coughs> हमने क्या क्वेश्चन में क्या रहा है कि फॉर द बीम शोइंग द फिगर ड्रॉ एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो सियर फोर्स हमने निकाल दिया समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई और यहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल दिया है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे मतलब हमने केवल रिजल्टेंट निकाले आर ए और आर बी तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ठीक तो है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक डायग्राम दे रखा है जिसमें यूडियल लग रहे हैं और नीचे से जो रिएक्शन इसमें लगे हुए है, वो इसके हैं ठीक है कैसा बनेगा तो यहाँ पे एक यूडीएल लग रहा है तो यह है, इसके मिड में लगेगा इसको पॉइंट मैंने ए मान लिया इसको पॉइंट ये एफ है ठीक है तो बात करूं इसमें नीचे की का जो नीचे रिएक्शन फोर्स लग रहा है हमारा ये आर बी है और इधर लग रहा है आर आर ई ई ठीक है ये है. और यहां पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू दे रखी है ट्वेंटी किलो न्यूटन की ठीक है और यहां एक यूडियल लगा हुआ है आर बी इधर ये सी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है फोर्टी किलो न्यूटन का और इधर हमारा क्या है, है. तो यूडीएल कहां पे हमारे बीच में मिड में लगेगा मिड में और मिड में इसकी जो वैल्यू निकल गई टेन इंटू टू तो ट्वेंटी किलो न्यूटन हो जाएगा किलो न्यूटन ट्वेंटी किलो न्यूटन तो इसकी डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं तो डिस्टेंस हमारी कितनी कितनी आएगी ये वन आएगी वन मीटर और यहां से वन मीटर ठीक है और 40 के बीच में हमारी टू दो मीटर की हो जाएगी ये दो मीटर फिर हमारा एक यूडियल और लग रहा है और ये लग रहा है ये ई e पॉइंट पर है और ये हमारा सी पॉइंट पर है और डी और ई e के बीच में एक यूडियल लग रहा है तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे मान ली ये डी पॉइंट है और इसके मिड पॉइंट में हमारा क्या लगेगा यूडियल जो हमारा फोर्स लगेगा ये लग ट्वेंटी किलो न्यूटन का ट्वेंटी

समेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है तो अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कोई लग नहीं रहा है ठीक है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब बात करते हैं समेशन एफ वाई की वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं तो सबसे पहले एक फोर्स लग रहा है ट्वेंटी किलो न्यूटन का जो एक वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो मैंने आपको बताया था जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन लगता है उसको पॉजिटिव लेंगे जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको नेगेटिव लेंगे ठीक है तो कहने का मतलब क्या है ऊपर से नीचे ट्वेंटी किलो न्यूटन का तो माइनस के ट्वेंटी ठीक है माइनस के ट्वेंटी प्लस के आरबी प्लस के आरबी माइनस के फोर्टी ठीक है माइनस के फोर्टी और माइनस के ट्वेंटी और प्लस का आर ई और ये हो जाएगा माइनस के ट्वेंटी इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे आर बी प्लस के आर ई बराबर कितना निकल का आएगा तो ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी सिक्सटी और ट्वेंटी एट्टी एट्टी और ट्वेंटी हंड्रेड तो आर बी प्लस आर ई की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हंड्रेड किलो न्यूटन निकल कर आएगी इसको इक्वेशन नंबर मान लिया मैंने वन ठीक है इसको इक्वेशन नंबर मान लिया मैंने वन ठीक है अब यहाँ पे मूवमेंट निकालते हैं मूवमेंट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे मूवमेंट निकालेंगे बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे पॉइंट अबाउट ए सॉरी पॉइंट अबाउट बी के अबाउट हमको निकालना है बी के अबाउट हमको क्या निकालना है बेंडिंग मूवमेंट निकालना है ठीक है बी के अबाउट तो यहाँ पे देखेंगे, mb B के about, अगर मुझे मोमेंट निकालना है तो यहां पर डायरेक्शन में अबाउट द पॉइंट बी ठीक है B. तो पॉइंट बी के ट्वेंटी मतलब जो एंटीक्लोग डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें देखेंगे माइनस के ट्वेंटी इन टू इसकी डिस्टेंस किसनी है बी से वन मीटर की है तो वन ठीक है प्लस आ... इसमें हमारा आरबी भी, भी जो आ रहा है वो भी हमारा कैसा है एंटी क्लोग वाइज डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो माइनस के आर बी और इंटू जीरो क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है जीरो है फिर देखेंगे ये वाला जो हमारा फोर्टी किलोमीटर इनका लग रहा है वो प्लस क्या क्लोग वाइज डायरेक्शन में फोर्टी इंटू टू मीटर ठीक है फिर प्लस ट्वेंटी इन टू यहाँ पे देखेंगे इसकी डिस्टेंस कितनी है पांच फिर हमारा कितना लग रहा है आर ई एंटीक्लोगाइड डायरेक्शन में लग रहा है आर ई इन टू इसकी डिस्टेंस कितनी है दो दो चार और दो छा टी क्लो न्यूटन का लग रहा है ट्वेंटी इन टू इसकी डिस्टेंस हो जाएगी दो 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 आठ ठीक है इक्वल टू जीरो तो यहां पे वैल्यू देखेंगे आइए तो पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू निकल माइनस के ट्वेंटी प्लस एट्टी प्लस हंड्रेड माइनस सिक्स आर ई प्लस वन सिक्सटी इक्वल्स टू जीरो ठीक है? तो यहां से अगर मैं आर ई की वैल्यू निकालूंगा तो आर ई की वैल्यू कितनी निकल गएगी कि वो देखेंगे तो आर ई की वैल्यू निकल जाएगी ट्वेंटी माइनस एट्टी माइनस हंड्रेड एट्टी प्लस हंड्रेड प्लस वन सिक्सटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी निकल के आई है ठीक है तो यहाँ पे क्या निकल गई थ्री ट्वेंटी निकल के आई है अगर मैं यहाँ पे आर ई की वैल्यू निकालूंगा तो आर ई बराबर हमारा आ जाएगा डिवाइड सिक्स टू फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री और लोड दे किलो न्यूटन में तो वैल्यू निकल गई किलो न्यूटन में ठीक है तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे हम बैंड हमने आर बी जो रिएक्शन अब यहाँ पे क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आर B प्लस आर ई इक्वल टू दे रखा है हंड्रेड ठीक है तो यहां पे आर ई e की वैल्यू निकल के आई है तो आर बी की हमको वैल्यू निकालनी है हंड्रेड माइनस फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो यहां पे आर बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे 100 माइनस इसको तो 46.67 वैल्यू हमारी निकल के आएगी ठीक है तो 46.67 किलो न्यूटन की हमारी क्या निकल के के आएगी वैल्यू निकल आएगी तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करेंगे जो बीम हमारे लोड वगैरह क्वेश्चन है बीम वाले क्वेश्चन है इस तरीके से उसको सिंपली मतलब इसको सोल्यूशन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले आप लोगों को जो भी डायग्राम दिया हुआ होता है उसको क्या करना पड़ता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले हम वहाँ लोड को मेजर करते हैं कि लोड कितना कितना दिया हुआ है जैसे कि यूडीएल लगा हुआ है और एक यूवीएल लगा होता है जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में उसका न्यूमेरिकल हमने किया था तो अगर यहाँ पे मान लीजिए यूवीएल हमारा लगा हुआ है ठीक है अगर यूडीएल की जगह यहाँ पे मैं ही बता देता हूं इस क्वेश्चन को अगर यहां पे यूडीएल की जगह हमारा यूवीएल लोड अगर लगा हुआ है तो लोड की पहचान कैसी होती है इस तरीके से दो मीटर दे रखी है और यहाँ पे इसने लोड दे रखा है टेन किलो न्यूटन पर मीटर का तो यहाँ पे अगर इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं यहाँ ट्राइंगल हाफ होता है टेन इंटू ठीक है तो यहाँ पे जो निकल के आएगा यूडीएल का लोड टेन न्यूटन का निकल का है? कितने का टेन किलो न्यूटन का निकल के आएगा ठीक है तब हम इस जो ये वाली इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन कहाँ होती है जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स हमारा इधर इस एरिया में ज्यादा लग, लग रहा है तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे कहाँ होगी वो इस पॉइंट पे होगी यहाँ पर ठीक है और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस कवर करेंगे तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगी ठीक है तो कहने का मतलब है यहाँ पे 1.5 होगी और यहाँ हमारी 0.5 होगी तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी डिस्टेंस को मतलब मेंशन करते हैं ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे मूवमेंट निकालते हैं तो पेपर पेपर में तुम्हारे में केवल क्या है एक तो यूडीएल दे, दे रखा है एक आपका यूवीएल दे रखा है ठीक है और एक आपका पॉइंट लोड है तो तीनों लोड को मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे और पॉइंट लोड है पॉइंट लोड के अबाउट तो केवल आपको केवल रिएक्शन निकालनी है सपोर्ट्स की जो रिएक्शन होती है वो निकालने है, उससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इससे ज्यादा आ, मतलब इसके बाद हम एस एफ डी और बीएमडी के डायग्राम बनाते हैं बट लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है तो आपको केवल इतना ही करना है ठीक है तो आज आपके मैंने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है और आपकी जो यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी आईसी इंजन वाली जिसमें हम आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ थैंक यू ऑल द बेस्ट